गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और माय सेल्फ डी के बैगवा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट टू, जिसमें कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनको किस तरह से इंसेक्ट से बचाया जाए और पेस्ट रेसिस्टेंस कैसे बनाया जाए। तो हम यहाँ पर इंसेक्ट रेसिस्टेंट जो प्लांट्स हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यदि हम इंसेक्ट्स की इसको रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, ये जल्दी इंसेक्ट क्रॉप के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, क्रॉप के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। अब इन सिस्टम के लिए कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे बैक्टीरिया था बैक्टीरियम, इसका नाम है बैसिलस थुरैनजेनेसिस, बैसिलस थुरैनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया को शॉर्ट में हम बीटी भी कहा जाता है, इसको बीटी इन शॉर्ट, इसको शॉर्ट में बीटी बोला जाता है। तो ये जो बैसिलस है, बैसिलस थुरैनजेनेसिस बैक्टीरिया, ये कुछ स्पेशलाइज तरह के इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स क्या सीक्रेट करता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स को सीक्रेट करता है। ये कुछ स्पेशल टाइप की इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स को सीक्रेट करता है और जो कि इंसेक्ट्स के लिए, जो कि क्रॉप को हार्मफुल करता रहे, इन इंसेक्ट्स के लिए काफी क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे अब कुछ जो क्रॉप को हार्म पहुंचा रहे इंसेक्ट, इनकी कुछ क्लासेज होती हैं, जैसे कि हम डिस्कस करें तो पहली जो इसकी वो है, ये आपके होते हैं लेपिडोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस। इसके अंदर आपकी जल्दी टोबैको वॉर्म और कॉर्न बॉरर या बर्ड बॉम, इस तरह के कुछ इंसेक्ट्स आते हैं। दूसरी जो इसकी क्लास है उसमें आपके किस तरह के आते हैं, उसको बोलते हैं ऑलियोप्टेरेंस। और इस तरह की जो क्लास के अंदर आपके छोटे छोटे जो आपके बीटल्स होते हैं, स्मॉल इन साइज, वो आपके आते हैं बीटल्स। नंबर थर्ड जो फर्स्ट जो नंबर थर्ड है, इसके अंदर आपके आते हैं डायोप्टेरेंस के अंदर जो इंसेक्ट आते हैं वो आपके आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ये आपके कुछ इंसेक्ट के जो आपकी फैमिली कुछ क्लासेस हैं, जिसके अंदर आपकी कुछ इंसेक्ट्स को मैंने यहाँ पर लिखा है। ये इंसेक्ट आपके पूरे किसको क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं और क्रॉप को बर्बाद करते हैं पूरी तरह से। अब इसको किस तरह से रेसिस्टेंस इसको दिया जाए प्लांट्स को, तो प्लांट्स के लिए यहाँ पे क्या एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, बैसिलस थुरैनजेनेसिस, जिसको कि हम शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। और ये आपके कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स को सीक्रेट करता है और ये आपका इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो प्रोटीन होते हैं ये आपके किस फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। लेकिन जैसे ही एज सून एज दिस प्रोटीन एंटर्स इंसेक्ट गट्स, ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाती है। जैसे आपके प्रोटीन जो इंसेक्ट प्रोटीन है, जैसे आपके प्रोटीन जो आपके एंटर करती है इंसेक्ट्स की गट के अंदर, तो आपके तुरंत क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने का रीजन क्या है, ये इसके अंदर जो इंसेक्ट है उनके अंदर आपको इसको क्या प्रोवाइड हो जाता है, एल्केलाइन पीएच मिल जाता है, इस वजह से एक्टिव हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, जैसे एक्टिव होगा तो जो इंसेक्ट का जो गट है, इंसेक्ट के जो आपकी सेल्स हैं एपिथेलियल जो आपकी सेल्स की लेयर है, ये आपकी क्या हो जाएगी, तुरंत लाइसिस होगा इसके अंदर। और लाइसिस होने की वजह से सेल्स क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, और इससे इसकी क्या हो जाएगी, इंसेक्ट्स की किल, इसकी डेथ हो जाती है, इंसेक्ट आपके किल्ड हो जाएंगे, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम क्रॉप को क्या बना सकते हैं, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। और अब इसमें क्या जो इंसेक्ट प्रोटीन्स हैं, ये किस तरह के ऐसे कुछ जीन्स होंगे इसके अंदर, तो दो आपके कुछ जीन्स को सिक्रेट करते हैं, जीन्स का नाम क्या है, क्राइजीन्स, इन जीन्स को बोला जाता है क्राइजीन्स। और ये क्राइजीन्स आपके किस तरह के होते हैं, देखिए क्राई फर्स्ट ए बी एंड क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, ये क्या आपको
किस तरह के इंसेक्ट को किल करते हैं, ये आपके जाते हैं सीधे कॉटन वॉर्म। जो कॉटन बॉल वॉर्म है उस तरह के इंसेक्ट को ये आपके डैमेज कर देते हैं, किल कर देते हैं। इसके अलावा एक होता है ट्राई सेक, ट्राई फर्स्ट ए बी। तो जो ट्राई फर्स्ट ए बी है ये आपको किसको डेथ करेगा, ये आपकी जल्दी कॉर्न बॉर्डर, कॉर्न बॉर्डर यानी जो मक्का की खेती है उसको जो बर्बाद करने वाले इंसेक्ट है उसको ही किल करता है। इस तरह से हम इन इंसेक्टिसाइड प्रोटीन्स का यूज करके, उस बैक्टीरिया का यूज करके, बीटी जो बैक्टीरिया इसका यूज करके हम इस जो प्लांट्स है उसको इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेस्ट होते हैं, जैसे कि हमने बोला इसको निमेटोड्स पेस्ट को जल्दी क्या बोला जाता है, निमेटोड्स बोला जाता है, इसको निमेटोड्स बोला जाता है। निमेटोड्स में एक निमेटोड्स का नाम है मिलोडोगाइनी, मिलोइडीगाइनी। इनकोग्निशिया, इनकोग्निशिया मिलोडोगाइनी इनकोग्निशिया, ये ऐसा निमेटोड है जो कि टोबेको का जो प्लांट है, टोबेको प्लांट उसकी रूट्स में, उसकी रूट्स में क्या करवा देता है, इन्फेक्शन करवा देता है। उसकी रूट्स के अंदर जाके इन्फेक्शन करवाएगा। टोबेको कैसा प्लांट है, डाइकोट प्लांट है। तो मिलोडोगाइनी क्या क्या करेगा, ये प्लांट्स के अंदर इसमें क्या होता है, कुछ जीन्स को सिक्रेट करता है और ये जीन्स जो होती हैं जो कि आपके आगे जाके क्या बनाएंगी, एमआरएनए का फॉर्मेशन करती हैं। और एमआरएनए के तुरंत बाद ही एमआरएनए क्या करता है, इसका ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन क्या होती है, ये कि आपके जो ये जो निमेटोड है इसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये प्रोटीन क्या करेगी, इसकी निमेटोड्स की ग्रोथ कराती है प्लांट्स के अंदर। अब इसको किस तरह से इसको रोक सकते हैं इस प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन जैसे ही प्लांट्स के अंदर जाएगी तो प्लांट्स के अंदर जाने के बाद ये क्या करती है, पूरी तरह से इसको ग्रोथ करवाती है, काफी सारी निमेटोड्स की कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है और इन्फेक्शन जो रूट्स है टोबेको प्लांट के उसके अंदर इन्फेक्शन होता रहता है। अब इस तरह से पूरी जो टोबेको की जो खेती है वो पूरी डैमेज हो जाती है। अब इसको इस तरह से किस तरह से रोक सकते हैं, तो जो रोकने की इसकी प्रोसेस उसको बोलते हैं साइलेंस। अब इसको किस तरह से साइलेंस किया जा सकता है, यानी जो प्रोटीन बनी है इसको किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, सुप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्निक अपनाते हैं साइलेंस में। और इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड जो आपका आरएनए है उसका यूज किया जाएगा। हमने क्या लिया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का यूज करके हम इसको प्रोटीन को ग्रोथ होने से इसको रोक सकते हैं, या प्रोटीन का बनने को रोक सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को। इसको हमने इसके साथ ट्रीट करवाया। ट्रीट करवाने के साथ क्या होता है, हमने इसके अंदर जो जो एक प्रोटीन जो जीन्स जो प्रोटीन कोड कर रही थी उसी का हमने क्या बनाया है, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री डीएनए लिया है। इस कम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर हमने क्या कर दिया, कम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर इसको प्लांट्स के अंदर क्या कर दिया, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो था ये आपका इसके अगेंस्ट में क्या बनाएगा, इसकी कोडिंग करता है और इसमें इस तरह से आप क्या बनाएगा, ये आरएनए बनाता है और आरएनए आपका क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो जो हमारा जो डिजायर प्रोटीन था जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं है, इट इज नॉट हार्मफुल, ये प्रोटीन को जाके क्या करता है, इसकी प्रोटीन्स को जाके इंटरफेरेंस करेगा। ये पूरी जो मैकेनिज्म होती है इसको बोलते हैं आरएनए आई बोलते हैं। और आरएनए का आई का मीन्स क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस, इसको आरएनए इंटरफेरेंस बोला जाता है। और ये जल्दी क्या करता है, ये आपके सेलुलर डिफेंस, इसको शो करता है सेलुलर डिफेंस को, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो ये जल्दी सेलुलर जो डिफेंस है ये यूकेरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है, यूकेरियोटिक जो कितनी भी सेल्स है उसके अंदर देखने को मिलता है सेलुलर डिफेंस। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को अपनाते हैं और इसकी जो प्रोटीन की जो ग्रोथ हो रही है उसको रोकने के लिए, ठीक है। इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है इसके एमआरएनए की जो ग्रोथ हुई, जो प्रोटीन बना था इसके अगेंस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्लांट्स के अंदर। और ये क्या करेगा, आरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है, और ये एमआरएनए जो है क्या करेगा, इस प्रोटीन्स का कोड करेगा जो कि हमारी डिजायरेबल प्रोटीन्स है, ताकि फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती। जबकि इस प्रोटीन्स को जब ये कोड कर दी है, जो निमेटोड्स की जो आपकी जीन्स इसको कोड कर दी प्रोटीन को, वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से साइलेंस हो जाती है, पूरी तरह से सप्रेस कर दी जाती है, पूरी तरह से आपकी क्या कर दी जाएगी, सप्रेस कर दी जाएगी।
और अपने कैरेक्टर को ये इफेक्ट को ये शो नहीं कर पाता। इसलिए हम प्लांट्स के अंदर क्या बना सकते हैं, उसको पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, इसलिए आपकी खेती का नुकसान होता है। इसके अलावा अभी कुछ इसके लिए कुछ वैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, और वैक्टर हम इसके लिए कौन सा लेते हैं, एग्रो बैक्टीरियम। कौन सा वैक्टर लेंगे, एग्रो बैक्टीरियम वैक्टर लेते हैं। कुछ एग्रो बैक्टीरियम वैक्टर के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, इस प्लांट्स की जो आपके पौधे को भी रूट्स है उसके अंदर हम इसको क्या करवा देंगे, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ाया पेस्ट रेसिस्टेंट कर सकते हैं और इंसेक्ट से कैसे करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करेंगे, और